गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ हम नेनुआ की सब्जी बनाने जा रहे हैं। आलू डाल के बहुत टेस्टी बनता है। और कल बाजार मार्केट डे था, मतलब तो आलू प्याज सब आया हुआ। और ये केला भी मंगाया कोफ्ता बनाने के लिए, परवल भी मंगाया पहले से था भी। और चना दाल हम रात में ही फुला दिए थे कि हम कढ़ाई बड़ी खाए, हम लोग को बड़ी दिन हो गया, बहुत दिन। और यहाँ घी को भी बना दिए हैं, डब्बा में डालना है तो टाइम मिलेगा तो उसको भी डाल देंगे। और हमको महाने नहीं आता है तो हम डायरेक्ट ही कढ़ाई में डाल देते हैं। और चाय वगैरह हम लोग को हो चुका है, और सब्जी कटिंग हो चुका है। और पता नहीं क्यों भूल जा रहे हैं बार बार रेसिपी दिखाना, एकदम हम शेयर नहीं कर पाए, सॉरी। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम एकदम याद रखेंगे, इसलिए हम कंटिन्यू अभी ब्लॉग मेरा बनते रहेगा। और यहाँ हम आ गए हैं बेड वगैरह ठीक करने, और मेरा ड्रेसिंग टेबल इस रूम में आ गया। सो थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है क्योंकि हमको उस रूम में आदत था ना, जब गए तो अपना थोड़ा सा फेस को देख लेते हैं। और यहाँ एकदम सोच के आना पड़ता है इस रूम में। और इस रूम का भी बेड वगैरह क्लीन हो चुका है। और बाहर में थोड़ा सा मौसम गर्म था, मतलब धूप वगैरह हुआ था, तो कपड़ा डाल दिए। और हम यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, रोटी सब्जी, मतलब एक ठो रोटी खा ले रहे, भूख नहीं था फिर भी। तो फिर मन किया मैगी खाने का, तो फिर मैगी बनाए। और चाय पता है वीडियो, मतलब रील्स, सॉरी आप लोग के साथ ये बनाते बनाते ब्लॉग मेरा चाय भी थोड़ा सा जल गया, मतलब थोड़ा सा कम हो गया था। और यहाँ पर हम मैगी खा रहे हैं, मैगी में थोड़ा सब्जी वगैरह डाल देते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, हमको अच्छा लगता है। और ये चना दाल पीस लिए हैं। और यह सब्जी भी मेरा बन गया, सब्जी तो एकदम मस्त वाला बना है। और जो मसाला खाते हैं वही मसाला डालते हैं इसमें। और बर्तन इतना सारा धोने को है, इसमें चना दाल में मसाला डाल दिए और इसको फ्राई कर देते हैं। और जब भी हम चना दाल फुलाते हैं ना तो पता नहीं क्या मेरे से बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमसे उससे कम नहीं होना चाहिए। तो फिर हम उसको रख दिए बैटर को, कि कल उसमें प्याज डाल के पकौड़ी बना देंगे, प्याज कटिंग करके, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो आप बेसन का खाते हैं, कभी चना दाल वाला खाइएगा ना ये पकौड़ी, बहुत टेस्टी लगेगा। और घर में काम का तो कोई कमी नहीं है। और इतना सा हम रखे थे बैटर बनाने के लिए, मतलब ये ग्रेवी बनाने के लिए। और यहाँ मसाला को फ्राई कर दिए हैं हम, और टमाटर आज नहीं डालेंगे। और ये मूंगफली को पीस दिए हैं, सॉरी फ्राई कर दिए हैं, चटनी बनाने के लिए, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और इतना बैटर को हम रख दिए हैं कल पकौड़ी बनाने के लिए। और ये मेरा बन गया, और ये हम ये ग्रेवी में डाल चुके हैं, और बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन आज मेरे घर ना दही नहीं था, बरसात में तो हम दही नहीं जमाते हैं, तो मार्केट से मंगाना भी भूल गए। अलमीरा को झाड़ने के बाद ये देखिए, ये मेरा दुपट्टा, हमको तिरंगा मिल चुका है। हेलो एवरीवन, सारा काम करके फिर याद आया कि झंडा के लिए जल्दी जल्दी खोजे, तो पूरा लास्ट ईयर हम दुपट्टा मंगाए थे तो दुपट्टा मिल गया है। और हम आज हेयर वॉश कर लिए हैं, और बारिश हो रही है बाहर, देख लीजिए। तो अभी अलमीरा का सारा कपड़ा निकाल के फेंक दिए थे, पूरा एकदम खोज रहे थे, तो अभी जा रहे सबको फोल्ड करके फिर डाल देंगे, उसके बाद आप लोग से मिलेंगे थोड़ी देर। और यहाँ पर खाना है रेडी, देख सकते हैं, मूँगफली की चटनी, नेनुआ की सब्जी और कड़ी बड़ी चावल।